नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ। आप इसको ट्रेनिंग की पोस्ट बोल सकते हैं, अप्रेंटिसशिप बोल सकते हैं, जो अब आपके दिल में आता है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको स्टाइपेंट यानी कि सैलरी भी दी जाएगी। रिक्रूटमेंट है दोस्तों दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें कि अप्रेंटिसशिप की एक तरह की रिक्रूटमेंट है। 1 साल की ये होती है सर्टिफिकेट के साथ साथ, साथ में स्टाइपेंट भी मिलेगा, साथ में आने वाले दिनों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी जो है वो मिल सकती है। रिक्रूटमेंट में दोस्तों अच्छी बात यह है कि ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, या आपने किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी हुई है, जैसे मान लीजिए आपने BA, BCom, BBA वगैरह करी हुई है, तो भी आपके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपको टाइम पे मिल जाए। सबसे पहली रिक्रूटमेंट सेक्टोरियल असिस्टेंट के लिए, 30 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, कैटेगरी वाइज बटी हुई है, BA करी हुई है, BSc करी हुई है, BCom करी हुई है, रेगुलर बेसिस पे है, यानी कि कोरस्पोंडेंस एजुकेशन नहीं चलेगी। आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री के साथ, लेकिन 2018 और 2019 बैच वाले ही कर सकते हैं। अगर 2017 में करी है तो आप एलिजिबल नहीं है। 9,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिवर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस IT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा जो है वो कर रखा है। इनसे संबंधित अगर किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 आपको सैलरी मिल जाएगी डिप्लोमा वालों को। उसके बाद दोस्तों आगे जो है इन्हीं स्ट्रीम में अगर आपने जो है वो डिग्री कर रखी है, BE, BTech वाले हैं, तो भी आपके पास मौका है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी 9,000 पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिल जाएगा। उसके साथ साथ ITI के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। ITI वालों को अगर दोस्तों आपने 1 साल की करी हुई है तो 7,700 जो है पर मंथ मिल जाएगा। बाकी अगर आपने जो है वो करी हुई है 2 साल की, तो 8,000 तक आपको स्टाइपेंड जो है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया जाएगा। 28 साल से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी एज 30/8/2020 तक 28 साल से ज्यादा और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2018 के बाद के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, 2018 या उसके बाद वाले, 2017 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे साफ साफ लिखा है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन रीड करिएगा, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो किसी भी तरह का एग्जाम या इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे नहीं बताया। मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगी, यानी कि जिनके नंबर ज्यादा होंगे उनको ज्यादा प्रेफर करा जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा, चाहे आपके नंबर थोड़े कम भी हैं, क्योंकि इसमें फीस हम लोग पे नहीं कर रहे हैं। कई बार होता है ऐसा है कि उनके डॉक्यूमेंट में जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके डॉक्यूमेंट में काफी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिससे वो आने वाले जो दूसरे लोग होते हैं उनको मौका दिया जाता है, तो ये बहुत बार जो है ऐसा होता है। तो ये सोच के मत आवेदन जो है आप आवेदन ही मत करें कि यहाँ पे जो है आपके मार्क्स जो है वो 70% है, 75% है। आवेदन जरूर करिए, क्योंकि फीस हम लोग पे नहीं कर रहे हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद आपको जो है वो लिंक पे जाके अप्लाई करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे वैसे डिटेल में बताया गया, आके आप एक बार रीड करिएगा। लास्ट डेट 7 जुलाई 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ।